हमारे YouTube चैनल पे आपको मैं दिखाऊंगा कि डाल्टनगंज अगर आप कभी आए तो यहाँ पहाड़ियों के बीच में शिव मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर है। यहाँ की अलग अलग मान्यताएं हैं और किस तरीके से आप इस पहाड़ियों पे चढ़ते हुए जाएंगे यहाँ, क्योंकि आपको यहाँ से पैदल का करना पड़ेगा और ये शहर से महज 3 से 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस पहाड़ी पे चढ़ने पे आपकी सांसें जरूर फूलेंगे। और यहाँ से कितना दिव्य नजारा है मैं दिखाना चाहूंगा कि आप कितने ऊपर आ चुके हैं। नीचे आप बस्तियां देख सकते हैं और यहाँ स्थानीय भाई साहब के माध्यम से हम लोग यहाँ आ पाए हैं। कितने सुंदर सुंदर पत्थर देख सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छी पानी की भी व्यवस्था भी की गई, लाइटिंग की, और नीचे आप पहाड़ियां देख सकते हैं। नीचे गांव है, हम लोग काफी ऊपर आ चुके हैं। पहाड़ी पत्थर जो कि खूबसूरत लग रहे हैं, कितने से कटे हुए हैं, या सबसे दिलचस्प होगा देखना यहाँ मंदिर की बनावट कैसी। और इन पहाड़ियों पे आखिर हम उस मंदिर तक पहुंच गए। कितनी शानदार और भव्य तरीके से यह मंदिर बनाया, मंदिर तरफ करेंगे, लेकिन यहाँ से देख सकते हैं गांव कितने नीचे पे है। यहाँ के स्थानीय भैया की भी सांसें फूल गई चलने में। और कितना अच्छा नजारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिलहाल मंदिर का शायद कुछ रूल होगा क्योंकि मंदिर बंद है अभी, और क्योंकि ये शहर से थोड़ा दूर हटके है तो इसलिए मंदिर बंद है। लेकिन मंदिर के आसपास जो पत्थरें हैं गुफाओं जैसी लग रही हैं, आपको देखने पे मजबूर करेगा। और इंडिकेट भी किया गया है शिव प्राचीन गुफा, ऐसे देखिए ओम नमः शिवाय जयकारे के साथ कबूतर ऐसे इंडिकेट किए गए। सियाराम क्या भैया हम मिश्रा सुधर जा भी सकते हैं। और कितना सुंदर शानदार ये देखे जो आसमानों को, अब भोले जी के नाम लेके इस गुफा से हम लोग निकलने की कोशिश करें। आखिर सफलता मिल गई। सफलता मिलने के बाद डर बहुत लग रहा है क्योंकि इस समय आप यहाँ के सबसे ऊपर आ गए हैं और कितना शानदार नजारा आपको इस शहर को यहाँ से देखने को मिलेगा। और भी चीजें हैं जो आपको दिखानी चाहिए, दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर एक पत्थर यहाँ से खिसका तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या होगा। और वाकई मुझे बहुत डर लग रहा है कि हम कितनी ऊंचाइयों पे आ चुके हैं। और यहाँ से व्यू बहुत ही भव्य है और मंदिर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा यहाँ से। देखिए कितना डर मुझे लग रहा है, ये शायद मैं ही जा सकता हूँ, कितने नीचे हम कितने ऊपर आ चुके हैं। ये अंदर गुफा पे जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ एक श्री आदिदेव गुरु हैं और यहाँ शिव की गुफा के नाम से जानी जाती है। यहाँ आपको शिव जी मिलेंगे गुफाओं के बीच में और यहाँ से नजारा आप देखेंगे पूरा अद्भुत। ये पूरा गुफा शिवमय है, यहाँ प्रतिमा बनी है, त्रिशूल भी ऊपर देख सकते हैं। मंदिर के साथ साथ इस गुफा की भी अपनी एक मान्यता है और आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाइयों पे हैं आप इस समय। ओम नमः शिवाय के नाम लेके हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं और ये रास्ता देख सकते हैं। मंदिर के जस्ट बगल में ही ये गुफा है, बहुत भव्य लेकिन बहुत ही अद्भुत मंदिर बनाई गई आप देख सकते हैं। और शिव जी के सामने पहले गेट पे घंटे के ऊपर गणेश जी हैं, गणेश जी के साथ बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं मंदिर। और यहाँ लोग आते हैं दर्शनों के लिए। मैंने आपको यहाँ की गुफाओं के बारे में भी बताया, पहाड़ियों के बारे में भी बताया और इस मंदिर के ठीक पीछे वो गुफा भी दिखाई जो सबसे रहस्यमय
गुफा का ही कही जाती है।